गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 50 के नीचे आ रहे हैं। बुधवार को 24 घंटे के अंदर केवल 37 नए मरीज मिले हैं, जबकि होप चिकित्सालय गोरखपुर में एक कोरोना संक्रमित 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,379 पहुंच गया है। इनमें 19,631 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 328 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 420 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। बुधवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 13 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 7 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ, राजघाट और कोतवाली में एक एक और शाहपुर थाना क्षेत्र में 3 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 20 नए मरीज मिले हैं। इनमें बांसगांव, कौड़ीराम और गगहा में एक एक, खोराबार में 3, चरगावा में 5 और पिपराइच में 9 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 4 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज़्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।